टेस्ट क्लियर है माशाल्लाह, और आपके वाइटल्स भी बिल्कुल नॉर्मल हैं। सॉरी सर, आपसे बगैर इजाजत लिए मैं आपसे यहाँ बात करने बैठ गई हूँ। अगर मैंने किसी से ये बात ना शेयर की तो पागल हो जाऊंगी मैं। ना जाने मुझे ऐसा क्यों गुमान हो रहा है कि वो मेरा पीछा कर रहा है और यहीं कहीं है। उफ, यानी मुझे वो शख्स हर जगह दिखाई देने लगा है। मुझे ये डर नहीं कि वो मेरे साथ कुछ कर देगा, मगर मुझे डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं वो मेरे करीबी लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे। बस यही बात मुझे तकलीफ पहुंचाती है। अगर मेरी वजह से किसी एक को भी नुकसान पहुंचा तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी मैं कभी भी। ओह, इस बार मैं अपनी खुशियों के बहुत करीब हूं सर, वो खुशी जिसका मैं हर लम्हा इंतजार करती रही हूं। मुझे बस इसी बात का डरो खौफ है और कुछ नहीं। कहीं उसे खोना दूं ये सोच के डर लगता है, लगता है कहीं पागल ना हो जाऊं मैं। माजरा चाहती हूं मैं इस वक्त तंग करने के लिए। मैं अब चलती हूं, आप आराम कीजिए। जैनब, यहाँ क्यों बैठी हो? ठीक तो हो तुम? बस जरा चक्कर से आ रहे हैं। और मेरी तबीयत ठीक भी कैसे रह सकती है? मैंने हसीब का प्रपोजल जो ठुकरा दिया, उसने मेरे बालों को लेकर मुझे इतना कुछ कह दिया कि उसकी अंगूठी मैंने उसके मुंह पर मार दी, और सालार भी छोड़कर चला गया। सालार चला गया तो क्या हुआ? ओ जैनब, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हनूदगी में हो। ये मुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ तुम्हें, चलो खड़ी हो जाओ। चलो शाबाश। कहाँ ले जा रही है मुझे? तुम्हें तुम्हारे रूम में ले जा रही हूँ मैं। इस वक्त तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए वहाँ जाना बेहतर होगा। वहाँ चल के थोड़ा आराम करना और ठीक हो जाएगा सब। चलें अब। बाजल, तुमने नैना को कहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। बाजल। हाँ सिरान। कुछ हुआ है क्या? आई मीन, नाराज हो क्या? नहीं यार, तुमसे क्यों नाराज हूंगा मैं? आपस में झगड़ा हुआ? अजीब हरकतें हैं उसकी। ठीक है, मैं समझता हूं उसे हर काम मुकम्मल चाहिए, लेकिन हम सब मशीनें तो नहीं है ना? हाँ जानता हूँ मैं, वो ऐसी हैं, आई मीन बहुत संगदिल हो जाती हैं, ये तक नहीं देखती कि सामने कौन है। लेकिन तुम परेशान ना हो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन पर इस वक्त काम का काफ़ी दबाव है, और ऐसे में इंसान ऐसी गलतियाँ कर जाता है। आई थिंक ऐसे में हमें उनका साथ देना चाहिए और सहारा बनना चाहिए। कह तो सही रहे हो, मैं शायद बिलावजह गुस्सा हो रहा हूं उस पर। वैसे इतने वसूख से तुम ये बात कैसे कर सकते हो? इसमें क्या बड़ी बात है, आप आए वो मेरी। चलो मैं जरा नैना को देख लूं। हाँ ठीक है, क्यों नहीं, मिलते हैं। खुदा हाफिज। नैना।
आज तो कमाल ही हो गया। देखो तुम कैफेटेरिया से यहाँ तक इसे लेकर आ गई और एक कतरा भी नहीं गिरा है। ये तुम्हारी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। देखो तुम्हें तो ओलंपिक्स में ट्राई करना चाहिए और यकीन मानो तुम टॉप करोगी। यार सिनान कितना बुरा कर रहे हो तुम मेरे साथ। एक तो मैं कैफेटेरिया से इतनी मुश्किलों से ये कॉफी उठाकर यहाँ तक लेकर आई हूँ। तुम्हें पता है कि यहाँ तक लाना कितना मुश्किल था मेरे लिए, और तुम मजाक उड़ा रहे हो। वैसे तुम लेकर कहाँ जा रही हो, कहाँ ले जाने की कोशिश कर रही हो? सिनान प्लीज हंसना तो बंद करो ना। अच्छा मुझे जाने दो ताकि मैं ये सब है ना। सॉरी मजाक कर रहा था। बाजल देख के तुम्हें पता है ये ओलंपिक्स में ट्राई करने वाली है। सिनान वैसे कुछ देर पहले मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने जैनब को वहाँ सीढ़ियों पे बैठा देखा। मैंने उससे पूछा भी कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं, लेकिन उसने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने उसके चेहरे से अंदाजा लगा लिया कि वो बहुत परेशान थी और चक्कर भी आ रहे थे उसे, इसलिए मैं उसे रूम में लेकर चली गई। और फिर मैंने कहा कि थोड़ी देर आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। और इसलिए मैंने सोचा कि उसका मूड ठीक करने के लिए ये कॉफी और केक उसके पास लेकर जाती हूँ। लाओ मुझे तो मैं ले जाता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं लेकर आई हूँ तो मैं ही देने जाऊंगी उसे। ठीक है, सी यू, गुड लक। और कॉफी नहीं, रास्ते पर नजर रखो। हाँ डिसिप्लिन कमेटी के नाम इमरजेंसी यूनिट के डॉक्टर बाजल ने कानून की खिलाफ वर्जी की है और मुसलसल मेरे काम को मुश्किल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो ये आयला मैडम मेरी कंप्लेन करना चाह रही थी। अरे सुमैया, तुम्हें क्या लगता है कि हम जिस पार्टी की तैयारियां कर रहे हैं उस पार्टी को लेकर क्या डॉक्टर आयला खुश होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। मुझे नहीं लगता, ऐसा लग रहा है कि तैयारियों में कुछ कमी रह गई है। परेशान मत हो, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर थोड़ी बहुत कोई कसर रह भी गई तो कोई मसला थोड़ी है, खा थोड़ी जाएंगी। नहीं उनसे डरने की कोई बात नहीं है, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि डॉक्टर आयला इन चीज़ों के बारे में कितना ख्याल रखती है। मैं तो बहुत थक गई है ना, ये क्या है? मैंने वो चीजें बनाई जो पहले कभी नहीं बनाई थी। मैं इसका नहीं पूछ रही, मैं इसके बारे में पूछ रही हूँ जो तुमने पहना है। है ना, सुमैया बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तुमने हॉस्पिटल के एक छोटे से इवेंट के लिए इस तरह के कपड़े पहने हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम हमारी शादी में किस तरह के कपड़े पहनोगी। बताऊं कैसा, बचपन से मैं दुल्हन बनने के ख्वाब देखती थी और तुम्हें पता है मैं अपनी दुल्हन की जोड़ों को खुद डिजाइन किया करती थी और सोचा करती थी कि मेरे शहजादे को इनमें से कौन सा जोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने तो सोच लिया था कि मैं चार किस्म के शरारे बनवाऊंगी, जरा खूबसूरत से डिजाइन के, जरा भरे भरे से और ज्यादा काम वाले। एक पल्लू यहाँ से उठा हुआ होगा और दूसरा वाला पल्लू यहाँ से उठा हुआ होगा और उसका जो दामन है ना। छोड़ो ये क्या कर रही हो तुम, पेस्ट्री कहाँ है बताओ? तुम लोगों ने मेहंदी और शादी में जो पहनना हो पहन लेना। ऐसा करते हैं कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। ठीक है, क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है। थोड़ा सब्र करो मलिक, ठीक है। मगर एक बात है, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने ज्यादा खर्चा नहीं किया है। जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र है। वैसे अहम चीज इसमें कीमा है, उसे आलू के साथ मिक्स करके बनाया है, बहुत जबरदस्त है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें हमारी मनपसंद चीजें भी शामिल हैं और खास तौर पर मैंने उन चीजों के अंदर चीज, चिकन पेस्ट्री, कीमा पेस्ट्री और रोल पेस्ट्री बनाई है। कुछ सरप्राइज भी है और मैंने कुछ खास चीजें भी बनाई है जो मैं नहीं बताऊंगी। मुझे ये तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खास किस्म के खाने बहुत पसंद हैं। थोड़ा सा ले लूं क्या? ले लेना है, मगर पार्टी में। वैसे कैफेटेरिया की तैयारियां मुकम्मल है? हाँ बिल्कुल मुकम्मल है, बस तुम्हारा ही इंतजार था। चलो ठीक है, फिर वहाँ चलते हैं। बाकी की जो तैयारियां वहाँ जाकर देख लेती हूँ। चलो चलती हूँ। मैं तुम्हारी पेस्ट्रियाँ खा जाऊंगा। ये क्या था? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। हेलो डॉक्टर, क्या कोई प्रॉब्लम है डॉक्टर? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस पार्टी में नहीं आ सकता हूँ, बता देना उसे। डॉक्टर, या मेरे अल्लाह, ये डॉक्टर को क्या हुआ? मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब बताओ जैनब, कैसा महसूस कर रही हो? हाँ काफी बेहतर हूँ, बहुत फर्क पड़ा है और कॉफी भी अच्छी थी। मेरा हमेशा से यही तजर्बा रहा है कि जब टेंशन हो तो फौरन कुछ खा लेना चाहिए, इससे काफी हद तक टेंशन कम हो जाती है। एक बात तो बताओ मुझे जैनब, तुम्हारे और सालार के दरमियान
कुछ है ज़ैनब? देखो, अगर तुम अपने दिल की बात कह दोगी तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अगर हम कोई भी बात अपने दिल में रखकर बैठे ही रहेंगे तो इससे हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है, इससे दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं और ज़हनी मरीज भी बन जाता है इंसान। इसलिए अच्छा ये होगा कि अपने दिल की बात तुम जो भी है मुझे ही बता दो। अगर नहीं बताऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी क्या? बीमार हाँ हो भी सकती हो यार, अगर बता दोगी तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और फ्रेश महसूस करोगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा मतलब है कि मैं खुद भी नहीं जानती, पता नहीं, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया कि वो मुझसे इजहार करे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वो एक बार में काम करता है, मैंने उसे बहुत कहा कि वो ये जॉब छोड़ दे, मगर नहीं छोड़ता, बुजदिल कहीं का। वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया। उसके बाद मेरा हसीब से मिलना जुलना शुरू हो गया। मुझे लगा वो इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझती हूँ। लेकिन आई थिंक ज़ैनब, क्या तुम्हें लगता है कि वो हसीब तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा? मालूम नहीं, लेकिन अब शायद देर हो चुकी है, वो बस मुझे लेने आता ही होगा। तुम्हें लेने हसीब आ रहा है? मुझे लगता है तुम्हें एक बार सलार से बात करनी चाहिए, है ना? बहुत देर हो चुकी है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मैंने तो हकीकत को भी तस्लीम कर लिया है। जानती हूँ कि ये फैसला सही नहीं है। ठीक है, मैं भी अब क्या कर सकती हूँ, ये फैसला तुमने किया है, तुम्हारी लाइफ है, इसे मैं बदल तो नहीं सकती। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, नर्स आएगी थोड़ी देर में आपका चेकअप करने। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। माय प्लेजर। नैना, सब ठीक तो है? नहीं, ठीक नहीं है यार। मेरा मतलब है कि मैं ऐसे मामलात कितने अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ, लेकिन ये हैंडल नहीं हुआ मुझसे। नैना, देखो तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की ना, अब होनी को कौन टाल सकता है? ये तुम कह रहे हो? जी बिल्कुल। गुस्सा तो नहीं होना मुझ पे? नहीं, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, क्योंकि तुम नैना हो और तुम जैसी हो वैसी ही रहोगी। हाँ, और मेरे ख्याल में अच्छे काम के बाद उदास नहीं होना चाहिए तुम्हें। हर काम हमारी मर्जी से हो और अच्छा अंजाम हो, ये ज़रूरी तो नहीं होता ना। शुक्रिया सिनान तुम्हारा, मगर मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, सारा कसूर उस सालार का है। ना ही वो ज़ैनब को छोड़ के जाता और ना ही ज़ैनब उस दूसरे लड़के को कॉल करती, लेकिन मुझे लगता है शायद मेरी ही गलती है जिसकी वजह से ये हुआ है। क्या मतलब? यानी आप तो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं अपना हर काम कितने अच्छे तरीके से अंजाम देती हूँ, लेकिन इस बार मैं अपने काम को अंजाम नहीं दे सकी, इसलिए अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हूँ। अगर मैं ज़ैनब को थोड़ा और प्यार से समझाती तो शायद वो मेरी बात मान लेती, और सालार से भी मैं अगर ठीक से बात करती तो शायद वो रुक जाता। नैना, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, सब ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। मुझे एक्चुअली ज़रूरी काम से जाना है, मैं वो कर लूँ उसके बाद आता हूँ तुम्हारे पास, ठीक है? तब तक तुम यहीं रहना। लेकिन इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? कितने सवाल करती हो तुम, बस मैं आ रहा हूँ ना अभी। तब तक तुम भी अपना मूड ठीक करो और काम पर जाओ। शाबाश, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। अब मुझे क्या देख रही हो, ड्यूटी पर जाओ, शाबाश। मैं कह रहा हूँ ना, आ जाऊंगा, तुम जाओ काम पर। हेलो, हाँ करीम, हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ कैसे हो? यार करीम, मुझे कुछ घंटों के लिए तुम्हारी बाइक चाहिए होगी, कुछ ज़रूरी काम से जाना है, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम हॉस्पिटल में हो? ठीक है, मैं अभी आता हूँ चाबी लेने और हेलमेट वगैरह लेने। ओके, खुदा हाफिज़। यार जगह का तो नाम ही भूल गया। हाँ, गैलेक्सी बार। चलो जगह का नाम तो पता चल गया, अब देखते हैं वहां जाकर काम होता भी है या नहीं। इस बार मैं अपनी खुशियों के बहुत करीब हूँ सर, वो खुशी जिसका मैं हर लम्हा इंतजार करती रही हूँ। मुझे बस इसी बात का डर खौफ है और कुछ नहीं, कहीं उसे खोना दूं ये सोच के डर लगता है।
और तो कहीं नहीं करना। जी नहीं, बहुत शुक्रिया। ओह, चीफ आई हुई है यहाँ। नैना तुम तो ऐसी बात मत करो, सभी अजीब हो गए यार। सब ठीक हो जाएगा, अभी सब कुछ नया नया है ना, इसीलिए। आई होप सो। वैसे मुझे पता लगा है कि तुम्हारे और बाजिल के दरमियान कोई मसला हुआ है, सब ठीक तो है ना, बताओ मुझे। मत पूछो यार, क्या बताऊं तुम्हें। क्या हुआ? पहले तो उसने मुझसे मशवरा किए बगैर इमरजेंसी में ट्रीट कर लिया, और फिर नर्स से कहा कि मैं चीफ को संभाल लूंगा। ये कोई बात हुई? एक तो मेरी बात नहीं मानी, दूसरा स्टाफ को भी गलत तासुर दिया। मेरे ख्याल से तो यही बेहतर रहेगा कि तुम दोनों आमने सामने बैठकर इस मसले पर बात कर लो। इस बार तो मुझे बहुत गुस्सा आया, हत्ता कि मैंने उसके खिलाफ लेटर भी लिख दिया। क्या मजाक कर रही हो मुझसे? नहीं यार, इस बार तो उसने हद ही पार कर दी है। लेकिन मैंने वो लेटर भेजा नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसके लिए मरीज की जिंदगी पहले है, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझसे कम अज कम पूछ तो लेना चाहिए था उसे। दिल तो मेरा यही चाह रहा है कि मैं जाऊँ और बाजिल को यहाँ लेकर आ जाऊँ, और तुम दोनों आराम से बैठकर एक दूसरे से सुकून से बात कर सको। आपस की लड़ाई को सुलझाओ और इस बात को इधर ही खत्म करके आगे बढ़ो। हाँ, लेकिन नहीं कर सकती मैं। क्यों नहीं कर सकती यार? यही तो प्रॉब्लम हो रही है कि आज मुझसे कुछ भी सही नहीं हो रहा। आयला, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। आज का दिन नॉर्मल नहीं है, मेरे सितारे तो गर्दिश में हैं। अब क्या बताऊँ, जिस काम में भी हाथ डाल रही हूँ बिगड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बीच में आने से तुम दोनों का मामला और बिगड़ जाए। ओ प्लीज, वैसे भी जो मामला पहले से ही बिगड़ा हो उसको मजीद कोई क्या बिगाड़ेगा। अच्छा खैर, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे काफी काम है, हो सकता है बाजिल भी आ जाएगा। आ जाएगा, फिक्र मत करो। ओके, सी यू। तुम तो गए। थोड़ा दूर ही रखना, मारना नहीं चाहता उसे। अरे यार, ये तो मुझे ही देख रहा है, कहीं पहचान ना ले मुझे। इसे बाद में देखेंगे, अभी चलो। सुनो, ये सामने दे दो ने। जी कहिए, क्या चाहिए? डॉक्टर आप? सलार, हम हॉस्पिटल में नहीं है, सिनान कह सकते हो। ठीक है, सिनान साहब, क्या लेंगे आप? नहीं कुछ नहीं, शुक्रिया। कुछ बोलना है सालार? ज्यादा वक्त नहीं लूंगा तुम्हारा। मैं जानता हूं कभी कभी इंसान के लिए काफी मुश्किल हो जाता है अपने लिए कोई फैसला करना, एक ऐसी लड़की से मिलने के बाद जो आपकी नींदें उड़ाते। हर रोज सुबह उठते ही सिर्फ उसे देखने के लिए आपका दिल मचलने लगता है, और अगर जिंदगी में ऐसी लड़की तुम्हारे सामने हो तो उसे कभी खोना मत। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे पा लेने का मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, पछताओगे सारी जिंदगी। आपके लिए ये सब बहुत आसान होगा, डॉक्टर जो है और हैंडसम भी। आप तो किसी भी लड़की को अपना बना सकते हैं, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूं। किसने कहा तुम हैंडसम नहीं हो? साला, पहले खुद पर भरोसा करो, खुद में हिम्मत पैदा करो, पहले उस लड़की का सामना करने के लिए और फिर उसे अपने दिल का हाल बताने के लिए। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर सारी जिंदगी पछताओ, और हो सकता है कि वो तुम्हें मना कर दे, लेकिन तुम्हें अफसोस तो नहीं होगा, कम से कम खुद से सेटिस्फाई होगे कि तुमने कोशिश की। समझ आ रही है? मैं बस तुम्हें यही दोस्ताना मशवरा देने आया था। एक्सक्यूज मी भाई, बहुत जबरदस्त समझाया आपने। थैंक यू ब्रदर। अच्छा तो क्या करना चाहिए मुझे? पहले तो तुम काउंटर की इस तरफ आ जाओ ताकि हम दोनों हॉस्पिटल जाए, और तुम जाकर जैनब से बात करोगे, उसे अपने दिल की हर बात बताओगे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। चलो शाबाश, अब किस बात का इंतजार है? हाँ अभी आया। तुम्हारा ब्लड प्रेशर तो अभी भी काफी कम है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तुम्हें मजीद ऑब्जर्वेशन में रखना होगा जब तक तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं हो जाता। डॉक्टर साहिबा,
आप इसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दें ताकि हम यहाँ से चले जाएं। मैं यहाँ पर बहुत बोर हो चुका हूँ। तो आपको यहाँ आने का किसने कहा है हसीब? अभी तो डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इन्हें मजीद ट्रीटमेंट की जरूरत है। चलें ठीक है, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती ज़ैनब? देखो मुझे पता है कि तुम हर वक्त चॉकलेट, आइसक्रीम और इसी तरह की उल्टी सीधी चीजें खाती रहती हो, इसीलिए बीमार हो जाती हो। डॉक्टर आपको पता है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, यानी जो लोग खेलकूद में हिस्सा नहीं लेते, अपने आप को फिट नहीं रखते और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। और मैं तो वैसे भी एक स्पोर्ट्स मैन हूं और यहां अस्पताल में रह के बहुत बोर हो चुका हूं। ये सारी बातें हम हॉस्पिटल से बाहर जाकर भी तो कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अंदर आ जाओ सालार। सालार, लो ये फिर से आ गया। डॉक्टर इसे आप कहाँ से ले आए? नैना मुझे भी बहुत कुछ आता है, सिर्फ तुम एक्सपर्ट नहीं हो। मैं तुमसे कहना चाहता था कि अरे तुम्हें जो कहना है वो कह क्यों नहीं देते? आधे घंटे से मैं कर रहे हो। ज़ैनब तुम्हारे बालों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सच कहूं तो तुम दुनिया की हसीन तरीन लड़की हो। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूं और करता रहूंगा। सुकून मिल गया। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ गए? ज़ैनब आखिर तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा के तुम्हारे लिए ये कीमती अंगूठी खरीदी है। तुम अगर सारी जिंदगी भी लगा लो ना तो ये तुम्हें इतनी कीमती अंगूठी बनाकर नहीं दे सकता, समझ गई? हाँ तो मुझे अंगूठी चाहिए भी नहीं। तुम पागल हो गई हो ज़ैनब, मोहब्बत से कभी पेट नहीं भरता है, समझ रही हो ना तुम? हसीब मेरे ख्याल से विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब तुम्हें जाना चाहिए, तो तुम जा सकते हो अब। ये क्या कह रही है? एक आदमी यहाँ आता है, मेरी नजरों के सामने मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता है, बजाय उसको समझाने के आप मुझे जाने को कह रही हैं, ये कोई बात हुई? एक्सक्यूज मी, मेरे ख्याल से सालार तुम्हारी गर्लफ्रेंड को प्रपोज नहीं कर रहा। इन दोनों का साथ तो बहुत पुराना है, वो तो तुम थे जो इनके बीच में आ गए, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। वो रहा दरवाजा। समझ गया, मैं भी इसके लिए नहीं मरा जा रहा। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कहने में तुमने देर कर दी? हाँ देर तो हो गई, पर बोल तो दिया। जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, चाहे वो लम्हा खुशी का हो या गम का। आई लव यू। आई लव यू टू। मेरे अल्लाह ये सब कहाँ चले गए? क्या स्टाफ की तरफ से कोई हड़ताल है आज जिसका मुझे नहीं पता? जी नहीं चीफ, मुझसे कहा गया था जैसे ही आप मुझे नजर आए मैं आपको कैफेटेरिया में भेज दूं। सभी आपका कैफेटेरिया में इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो मेरा कैफेटेरिया में इंतजार क्यों कर रहे हैं? अच्छा चलो देखती हूँ। ठीक है चीफ। आप कुछ लेंगे? नो थैंक यू। है ना जरा बात सुनना। यार सब लोग आ गए हैं मगर डॉक्टर बादल नहीं आए, मुझे तो लगता है शायद वो आएंगे भी नहीं। वाकई में ऐसा ही लगता है, हो सकता है वो आ भी जाएं या ना भी आएं। अरे मलिक सबको आने तो दो, मुझे बहुत भूख लग रही है यार। अरे हैप्पी बर्थडे डॉक्टर आयला। आप इस नए ओहदे के लिए बेहतरीन इंतखाब हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे डॉक्टर आयला। अच्छा तो तुम दोनों का आइडिया था ये? बिल्कुल, असल में तो ये डॉक्टर बाजिल का आइडिया था। लेकिन वो खुद कहाँ है? कुछ बात हुई है क्या सुमेर? नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ डॉक्टर, यानी कैसे बताऊं? जो भी बात है कह दो सुमेर। डॉक्टर बाजिल जो हैं वो दोपहर में ही चले गए। क्या मतलब बगैर कुछ कहे चले गए थे? मलिक उन्होंने तुमसे कुछ कहा था क्या? नहीं डॉक्टर कुछ भी नहीं कहा, बस चले गए।
यानी हमें लगा कि वो काम से गए हैं और आ जाएंगे, मगर अभी तक नहीं आए। हाँ वाकई, यानी उनको यहाँ होना चाहिए था। क्यों मलिक? जी हो सकता है उन्हें कोई जरूरी जी काम आ गया। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हाँ शायद कोई काम होगा, मसरूफ हो गया होगा। ओ, बहुत शुक्रिया तुम लोगों का, बहुत मुबारक। बहुत अच्छा लगा। मैं अभी आती हूँ। आओ लो, खड़ी क्यों हो? लीजिए डॉक्टर। लेकिन तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। तुमने मेरी इंसल्ट की है, स्टाफ की मौजूदगी का भी ख्याल नहीं किया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। एक बार वो मरीज यहाँ से चला जाए तो हर एक मरीज को तुम चेक भी करोगे और उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दोगे भी, समझ गए बात? और तुम्हें इनको फॉलो करना होगा, समझ गए? चीफ। यार तुम लोग बहुत अच्छे हो, शुक्रिया। आपा, क्या हुआ, परेशान है क्या? बाजल कहाँ है? बाजल यहाँ नहीं है, पार्टी तो उसी ने ऑर्गेनाइज की है लेकिन बगैर किसी से कुछ कहे चला गया। तो उसे फोन किया क्या? हाँ बिल्कुल, कई बार किया है फोन। अच्छा, अजीब बात है, बाजल ऐसा करता तो नहीं है। हमारी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। खैर छोड़ो, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग इस बात पर बहस करो, मैं कुछ खाने जा रही हूँ। परेशान है काफी। हाँ है तो, मगर आई होप सो इन दोनों की दोस्ती दोबारा से हो जाए। हो जाएगी। तुम खाओगी? ठीक है चलो खाकर देखते हैं। मुझे हाथ नहीं खराब करने, इससे खाऊंगा। डॉक्टर ऐसे खाइए ना, फोक से क्यों खा रहे हैं, ऐसे खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना, मुझे पहली बार मोहब्बत का एहसास हुआ, यानी कहने को तो एक छोटा सा काम था लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा था। कैसा काम? मैं आज सलार को लेने गया था ना, तो पहली बार मैंने ऐसा कोई काम किया, यानी आज से पहले मैंने कभी किसी पेशेंट की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लिया। शायद मैं भी उन्हें मशीन समझता था, उनका इलाज किया और फिर डिस्चार्ज। लेकिन असल में आज मुझे एहसास हुआ, यकीन मानो बहुत सुकून मिला। आई मीन आखिर तुमने मुझे भी खुद जैसा बना दिया। कुछ कहना चाह रही हो तुम? वो मैं, एक अच्छा काम किया है आज मैंने भी। और क्या है वो? वो ये है कि अब मेरा आबिद से रिलेशनशिप खत्म। नैना, सच कह रही हो तुम? नैना यार आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। क्या वाकई सच में तुम बहुत खुश हो? ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ मैं, आखिर तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ, खुश नहीं होऊंगा क्या? और उसके साथ साथ तुम्हारा पड़ोसी भी और तुम्हारा दोस्त और मैं। और क्या? तुम्हें नहीं पता क्या नैना? नहीं मुझे तो नहीं पता। आई मीन सिनान के तौर पर बहुत खुश हो रहा हूँ ना। डॉक्टर, हाँ मुझे लगता है आपको ये खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर खाना चाहिए। थैंक यू सुमैया। वेलकम। तुम खाओगी नैना? नो, आप खिलाएं मुझे। अच्छा ठीक है फिर। चलो मुंह खोलो अपना। आइडिया है मुझे, सुनो सुनो सुनो, बोर्ड गेम।
गेम खेलते हैं। यकीन करो बोरियत दूर हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। मैं तो चैंपियन हूँ इस गेम में, अभी से बता रही हूँ। क्या? मगर इस गेम के लिए 3 नहीं 4 लोग चाहिए होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनन्या, बोर्ड गेम्स 4 बंदों के बगैर नहीं खेला जा सकता। लेकिन आई थिंक हम मूवी देख सकते हैं, क्या ख्याल है? मूड भी अच्छा हो जाएगा, कोई अच्छी सी रोमांटिक सी मूवी। अरे वाह डॉक्टर, आपने क्या आइडिया दिया है, वैसे ये बिल्कुल ठीक रहेगा। और पता है मैं आज ही मार्केट से नई DVDs भी लाई हूँ। अब आयला इनमें से डिसाइड करते हैं कि कौन सी ठीक रहेगी। वैसे तो सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम तुम्हारी पसंद की देखेंगे। ठीक है, जब तक तुम दोनों मूवी डिसाइड करो और मैं जाकर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूं। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। अभी आया। एक ये वाली देखो। हाँ ये वाली देखो, ये अच्छी होगी। टैक्सी। आइला जाके देखना कौन आया दरवाजे पे। हाँ श्योर। नैना, तुमने बाजिल को क्यों बुलाया यहाँ? देखो ये वक्त इन सारी बातों का नहीं है। I'm sorry sir, disturb करने के लिए। Good evening बाजिल, आए बैठे ना। Good evening नैना। Good evening बाजिल। Hi सिनान। आयला क्या हम बाहर जा सकते हैं? कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ ठीक है, no problem। Thank you। Okay guys, see you। आपा ज्यादा देर। अरे सिनान तुम तो चुप हो जाओ, बुरी बातें हद करते हो। आयला कोई बच्ची थोड़ी है, कितनी उदास थी वो। आपस में बात करेंगे तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी और दोस्ती भी हो जाएगी। हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रही हो। शायद मैं कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल जाता हूँ बिना सोचे समझे कि कहना है या नहीं। ओ आई सिनान, मुझे बहुत भूख लग रही है, एक्साइटमेंट में और ज्यादा लगती है मुझे। वैसे नैना तुम एक्साइटेड होती हो तब तुम्हें भूख लगती है, तुम खुश होती हो तब तुम्हें भूख लगती है, और जब उदास होती हो तब भी। कोई ऐसा टाइम है जब नहीं लगती? नहीं तो? नहीं तो चलो फिर मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो? किचन में पास्ता बनाने। ओ यार मैं अभी पास्ता के ही बारे में सोच रही थी। मेरे ख्याल से ये परफेक्ट टाइम है पास्ता खाने का। भूख लगी हो और अपनी फेवरेट चीज मिल जाए तो क्या ही बात। तो फिर आज तुम्हें मैं शेफ सिनान की खास रेसिपी से खास पास्ता बनाकर खिलाऊंगा। मुझे बताओगी अपनी रेसिपी? नैना मेरी रेसिपी बताने की नहीं बल्कि बनाने की होती है, जल्दी से आ जाओ। पार्टी के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन और भी अच्छा होता अगर तुम होते। तुमने मेरी कंप्लेन किया है, मेरी जगह तुम होती तो आती। वो रिपोर्ट, अरे बाजिल कसम से मैंने तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं की, मैं उस वक्त गुस्से में थी इसलिए मैंने लेटर लिख दिया था, लेकिन जब जाहिर सी बात है गुस्सा उतरा तो मुझे लगा कि मैं गलत कर रही हूँ, इसलिए मैंने नहीं भेजी तुम्हारी कंप्लेन। मुझे उस वक्त कोई बुलाने आ गया था तो वो मैं टेबल पर ही रखकर चली गई, और फिर शायद तुम कमरे में आए और तुमने वो देख लिया। बाजिल प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने वो लेटर सेंड नहीं किया। सच पूछो तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज बाजिल मुझे माफ कर दो। मैंने ज्यादा दिल पे ले लिया शायद। ठीक है तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैंने शायद बात को बढ़ा दिया। बाजिल हम कभी बात करना तो नहीं छोड़ेंगे ना? मैं कैसे छोड़ सकता हूं तुमसे बात करना। बाजिल एक बात कहूं मैं? कहो, सुन रहा हूं। वो मुझे इस वक्त बहुत भूख लग रही है, कहीं हम खाना खाने चलें? हाँ चलते हैं।